हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको स्नोर यानी खर्राटे आने के कारण और उनके सिंपल से घरेलू इलाज के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जिन लोगों को नींद में खर्राटे लेने की प्रॉब्लम होती है, उसका असर उनसे ज़्यादा उनके पार्टनर और उनके परिवार वालों पर पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी नींद और नियमित जीवन शैली बहुत प्रभावित होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इससे पीड़ित व्यक्ति को कई बार बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया भर में हर पांचवा व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है। खर्राटे लेने की एक बहुत बड़ी वजह सांस की नली में रुकावट आना होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, गलत डाइट, नशे या हार्मोनल चेंजेस के कारण भी खर्राटों की प्रॉब्लम हो सकती है। खर्राटे लेते टाइम कभी कभी कुछ सेकेंड्स के लिए सांस भी रुक जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और इससे कई बार हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी रात खर्राटे लेता है तो ये समस्या खतरनाक हो सकती है, इसीलिए इसका समय रहते इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिनको यूज करके खर्राटों की प्रॉब्लम से काफी हद तक बचा जा सकता है। नमक के पानी से गरारे करें। रात में सोने से आधा घंटा पहले एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे करने से गले की नसों में होने वाली सूजन कम होती है और इससे खर्राटों में आराम मिलता है। हल्दी और शहद में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, इसलिए एक गिलास गर्म पानी में 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून शहद मिलाकर रोज रात को सोते टाइम पी लें तो इससे गले की नसों का आराम मिलता है और सांस और गले की नली में आई सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने में मदद मिलती है और खर्राटे आना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। ठंडी चीजें ना खाएं। खर्राटों से परेशान लोगों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या ठंडी चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए, क्योंकि इससे गले की नसों में सिकुड़न और सूजन आ जाती है, जिसके कारण खर्राटों की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। नाक साफ रखें। नाक में गंदगी जमा होने पर सांस लेने में परेशानी होती है, इस वजह से सांस की नली में रुकावट पैदा हो जाती है जिससे खर्राटे आने लगते हैं। इसलिए सोने से पहले नाक साफ करके सोएं। गाय के शुद्ध घी में कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसे हल्का सा गुनगुना करके नाक के नथनों में 2-3 बूंदे ड्रॉपर से रात को सोते टाइम डालें। इससे नाक की नली में आई सूजन और रुकावट दूर होती है और आप सही तरीके से सांस ले पाते हैं, जिससे खर्राटों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक गिलास पानी में कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर इसे उबाल लें, फिर इस पानी को हल्का गुनगुना रह जाने पर रात को सोते टाइम इससे गरारे करें तो शुष्क हवा से होने वाले गले के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और खर्राटों की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। छोटी इलायची में बंद नाक को खोलने और कफ और बलगम को दूर करने की क्षमता होती है। रात को सोते टाइम एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर इसे पी लें और इसके नियमित सेवन से खर्राटों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सरसों के तेल से मालिश करें। 2-3 चम्मच सरसों के तेल को गर्म करके उसमें 3-4 कलियां लहसुन की कूट कर डालें। इसे तब तक गर्म करें जब तक लहसुन जल न जाए। फिर इस तेल को हल्का गुनगुना छाती और गले पर रात को सोते टाइम मालिश करें तो इससे खर्राटों की प्रॉब्लम में राहत मिलती है। नशे से बचें। किसी भी तरह का नशा जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, शराब आदि से दूर रहें, क्योंकि इससे खर्राटों की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और अपना वजन कम करें। खर्राटों से बचने के लिए बढ़ते वजन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वेट ज्यादा होने पर खर्राटों की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अपने वेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी होता है, इससे भी खर्राटे बढ़ जाते हैं। सोने की पोजीशन चेंज करें। पीठ के बल या पेट के बल सोने पर भी खर्राटे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बाईं तरफ सोने की आदत डालें और सोते टाइम सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, इससे भी खर्राटों से बचा जा सकता है। रोज सोने का एक निश्चित टाइम फिक्स करें और हो सके तो रोज उसी टाइम सोएं। इन सब के अलावा खर्राटों से बचने के लिए नींद की गोलियों का सेवन कम से कम करें, खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करें, उसके बाद सोने जाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जैति प्राणायाम, जिसमें सांसों को सही प्रकार से लेना और छोड़ना प्रमुख होता है। इन सब के अभ्यास से भी सांस की नली में आई रुकावट दूर होती है और खर्राटों की समस्या से बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे खर्राटे आने के कारण और इनसे बचने के कुछ आसान से उपाय। उम्मीद है आप में से कई लोगों को इससे फायदा होगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। एक यूजफुल टिप के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक स्टे फिट, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।